चलो बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो नाउ यू मे डाउन योर हैंड्स, आई हैव गॉट टू नो दैट द स्क्रीन इज विजिबल। स्टार्ट करते हैं अपन लोग फिजिक्स, ठीक है। तो जेंटलमैन, आज की ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, आज की ये जो पर्टिकुलर क्लास है, टॉपिक तो अपना मोशन है, मगर ये वाला, ये जो अभी क्लास अपन लोग कंडक्ट कर रहे हैं, दिस गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल क्लास, क्योंकि एवरी बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी अपन लोग नई शुरुआत करता है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिजिक्स एक ऐसा पिलर है जीएटी का, मतलब ऐसा पिलर है जिसके ऊपर यदि आप थोड़ी भी मेहनत कर लेते हो ना, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देकर आ जाता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया, मतलब दोनों बढ़िया पार्ट है जीएटी के, एंड आई वुड से दे आर द मेजर पिलर्स ऑफ जीएटी। और इसको छोड़ना मतलब कि बहुत कुछ छोड़ना, और मेरे हिसाब से तो फिजिक्स को छोड़ना मतलब कि जो जीएटी वाला पोर्शन है ना उसको छोड़ना, और उसको छोड़ना मतलब कि एनडीए एग्जाम को भूल जाना। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से पूरा फिजिक्स आपको अप्रोच करना है, वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगा किस तरीके से सारी चीजें होने वाली है। सो इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अ डेमो क्लास, फास्टेक बैच की पहली क्लास है ये, ठीक है। और जो कंटिन्यूटी में चल रहा है हमारा, वो वाला बैच जो मार्शल बैच है, वो तो चल ही रहा है, बट दिस गोइंग टू बी द फर्स्ट क्लास ऑफ फास्टेक बैच, और यहाँ पर डेमो क्लास भी है, तो तीन चीजें यहाँ पर एक साथ चल रही है। तो सारी चीजें उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपको क्लियर होंगी कि यहाँ पर एक्चुअली में चल क्या रहा है। यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स, ठीक है। दिस गोइंग टू बी द फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स जिसमें फिजिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। अभी तक यदि मार्शल बैच में बात करूं तो क्या क्या कर लिया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, तीनों हमारे कंप्लीट है। इन तीनों के बाद हमारी इक्वीज क्या कंप्लीट है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सो इट इज द टाइम फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी न्यू स्टार्ट जिसका नाम है फिजिक्स, ठीक है। प्रॉपरली अपनी जगह पर बैठ जाना, लाइट सोर्स रखना, पानी की बॉटल रखना, आपकी ये जो आवाज क्लियरली आनी चाहिए। जो लोग जहां पर लेटे पड़े होंगे ना, वो यू नो जस्ट गेट अप फ्रॉम देयर एंड सिट ऑन अ चेयर, ईदर ऑन अ चेयर, टेबल, चेयर का यूज करो, ठीक है। आवाज वगैरह आ रही होगी सभी को मेरी, स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिजिक्स में बेसिकली यदि अपन बोले ना, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, 25 क्वेश्चन। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग फिजिक्स, इट इज अबाउट 25 क्वेश्चंस, ठीक है। 25 सवाल है, और ऑन एंड एवरेज अब कई लोग बोलेंगे भैया 23 भी आ जाते हैं, कई बार 24 भी आ जाते हैं, मगर जब एवरेज निकालोगे तो 25 ही एवरेज निकलेगा, 24, ठीक है, 24 25। तो 25 सवाल अपन मान के चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे कितना हो जाता है, 100 मार्क्स। और 100 मार्क्स यदि मैं आपको बताऊं, तो 100 मार्क्स में यूजुअली बोलता हूँ कि मैथ्स में तू कुछ मत कर, बस 100 मार्क्स लेकर आ जा। जीईटी में मैं तेरे को स्कोरिंग करवा के 450+ करवा दूंगा, ठीक है। तो अब आप खुद देखो कि जब आप मैथ्स में कितने क्वेश्चन करोगे, अराउंड 45 क्वेश्चन करोगे, तब आपके 100 नंबर बनेंगे। 40 to 45 क्वेश्चन करोगे, 45 कुछ गलत भी होंगे, तब जाके तुम्हारे 100 नंबर बनेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ तुम कितने कर रहे हो, उसके आधे है ना, 25 क्वेश्चन कर रहे हो और यहाँ तुम्हारे 100 मार्क्स बन रहे हैं। एंड 100 मार्क्स की वैल्यू यू नो बहुत होती है, 100 मार्क्स मीन्स अलॉट। अब तुम सोच रहे होगे भैया 100 में से 100 थोड़ा ना एम कर सकते हैं, बट 100 में से 80 तो कर सकता है ना। यदि इतना भी परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, मगर इंप्रूवमेंट की तरफ भागोगे तो 80 तो कर सकते हो, इजिली 80 कर सकते हो, नो मैटर विच स्ट्रीम यू आर फ्रॉम, क्योंकि सारी चीज अपन लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले। सो फ्रॉम माई साइड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि आपको इसके बारे में कुछ भी होता है। मैं ऐसा मतलब लेट कर रहा हूँ कि तुम्हारे को एनडीए फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, यू जस्ट नो, मतलब कुछ भी नहीं पता, यू जस्ट नो नथिंग अबाउट एनडीए फिजिक्स, क्या होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें हम अपन लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो मार्शल बैच के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं उनको मैसेज करके बोल दिया था कि ये जो है आज से यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी न्यू बिगिनिंग, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मैं बिल्कुल एकदम जीरो से अपन लोग स्टार्ट करेंगे किस तरीके से चीजें हैं, और एकदम हाईएस्ट ऑफ द लेवल पर जाकर खत्म करेंगे। आपको प्रैक्टिस शीट ये जो है इसको खोल आप खुद देख लो, सारी चीजें इंक्लूडेड है यहाँ पर। एनसीईआरटी के ब्लू क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रीविसर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, सारे प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, एवरीथिंग वी विल बी प्रैक्टिसिंग। मगर सुनना, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस पर आएंगे, बाकियों की तरह नहीं, जल्दी 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 एक तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो ये जो डेमो क्लासेस हैं यहाँ पर, मेरी तरफ से तीन डेमो क्लास होंगी, चार होंगी नहीं, चार मैथ्स की होंगी, मेरी तीन होंगी, ठीक है। कब कब होंगी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज जो पहली चल रही है इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट डेमो क्लास, टाइमिंग आपको पता है। जो दूसरी डेमो क्लास है वो कब होगी, 21 को होगी। तीसरी डेमो क्लास 22 को आई वोंट बी अवेलेबल, 22 को नहीं होगी जीएटी की। इस दिन क्या होगा, सुनो, जो डेमो क्लास 1 और डेमो क्लास 2 में आप जितनी भी चीज पढ़ोगे ना, मतलब मोशन आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, उसका एक बढ़िया सा टेस्ट आपको इसी टाइम पर बना हुआ मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, दैट वुड बी एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीबडी, सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो उसमें टाइम लिमिट होगी, तो टाइम लिमिट में बैठ जाना 9:30 बजे से,
और उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अच्छे से उसको देख लेना। एंड आई विल बी लुकिंग एट द ग्रोथ, कौन ने किस तरीके से वहां पर परफॉर्म करा। बढ़िया लेवल के वहां पर क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे जो भी चीज में। तो इसलिए जो भी चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जब मैं आगे चल के यहाँ से 10 मिनट बाद पढ़ाना चालू करूंगा, 10 मिनट बाद क्यों, क्योंकि आपको ये सारी चीजें बतानी है किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या आपका आइडिया होना चाहिए, क्या रियलिटी है फिजिक्स की, आई वुड बी टेलिंग यू दैट। ठीक है, तो 10 मिनट बाद जब मैं शुरू करूंगा ना, एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, सारी चीजें दिमाग में होना चाहिए। और अभी जो मैं आपको जो भी चीजें यहां पर बता रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी जॉट डाउन इन योर कॉपी, आपके कॉपी में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और 22 सेकेंड के बाद 24 को मेरी होगी, एंड दैट वुड बी द लास्ट क्लास, डेमो क्लास ऑफ फिजिक्स। तब तक आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि किस तरीके से फिजिक्स को एम करा जाता है, किस तरीके से पढ़ाई करी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो पर्सपेक्टिव है भाई, जिस तरीके से मैंने अपना एग्जाम क्लियर करा है, और जब नहीं भी हुआ था उस टाइम पर भी जीएडी में हर बार झंडे गाड़ के आता था। पर्टिकुलरली इसकी बात करूं तो तैयारी मेजरली जो मेरी होती थी ना, ये ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से होती थी, और आज भी इसी को फॉलो करता हूं। और हमेशा जो हमेशा बढ़िया एजुकेटर होगा वो इसी को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसको दिमाग में रख के ना, एक अपना एक बढ़िया सा पॉइंट ऑफ व्यू आप तैयार कर सकते हो कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। आई नो नो बडी कैन प्रेडिक्ट, इट्स अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, बट यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। बेसिक चीजें करना है, सब कुछ करना है, मगर मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आप बोलते हो ना कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट यही है जो अभी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊं जिससे आपको ये पता चल जाए कि जैसे एनडीए है ना, NDA 1 2024, ठीक है, NDA 2 2023, NDA 1 2023 और NDA 2 2022। ठीक है, ये इतने का यदि अपन पीछे उठाएंगे, अभी रीसेंट वाला तो सभी ने देखा हुआ है, सभी रिसेंटली पेपर देकर आए होंगे, है ना, उसका अभी क्या ही बात करना, वो तो करवा वो वैसे भी होगा। मगर जब अपन ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं, लास्ट के 4 5 पेपर उठा लो, ये ठीक है, अपन ने 5 पेपर उठा लिए। अब इस पर्टिकुलर चीज को उठाकर आप यदि देखोगे ना कि कौन सी चीज ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है, किस तरीके से पूछी जा रही है, किस लेवल से पूछी जा रही है, और उसके बाद आप उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे तो सब, मगर जो टॉपिक इनके हिसाब से बहुत हॉट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा इम्फेसिस कर रहे हो, और उन्हीं टॉपिक्स के आप बार बार अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हो, और क्वेश्चंस करने के बाद उन्हीं का जो टेस्ट है, आपने जो टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस कर रहे हो, इसी को कहा जाता है एकदम सटीक तैयारी फिजिक्स की। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, आर्ट से हो, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स से हो, ठीक है, नॉन साइंस से हो, साइंस से हो, कोई मतलब नहीं है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए का जो बेसिक का लेवल है ना, वो भी एक एकदम बढ़िया वाला लेवल है। ठीक है, उसमें भी एक मतलब इट्स अ वेरी शिवेलरिक लेवल, उसमें भी पढ़ने में मजा आता है, उसके भी इतने बढ़िया सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, सारी चीजें एकदम बैठ के पूरी चीजें निकाली गई हैं। ये जो NDA 1 2024 का ये आपके सामने लिखा हुआ है कि NDA 1 2024 में कौन से पेपर है, और सेट ए है, जहां तक है सभी में सेट ए है। ठीक है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर कौन से नंबर का सवाल था, 51 52 53 54 55 56 57, फिर 83 84 85 86 87, ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, कितने इजी हैं, कितने थोड़े से चैलेंजिंग है, किसमें कंसेप्ट अच्छा है, इसमें स्टार भी लगा दिया, इसमें आपको समझ में आएगा नहीं, बाकी ये पूरा सीन आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपसे बोल नहीं रहा हूं कि आप अब भी रीड करो, अब भी सारी चीजें करो, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट, आप ले भी लोगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद जो करना है वो आप नहीं करोगे, वो हम करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी चीजें डिजाइंड है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले, एक एक टॉपिक यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है, किस क्वेश्चन में पूछा है वो भी नोट डाउन करके रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरी चीजें चलने वाली है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में बैठ कर देख सकते हो। ठीक है, क्लियरली यहाँ से पता चल जाएगा मैकेनिक्स में 22 से 26 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, मतलब 20 से 24 क्लियरली आपके इतने बन रहे हैं, मतलब 5 से 6 सवाल, 4 से 5 सवाल इजीली मैकेनिक्स से आ जाते हैं, तो वही अपन आज शुरू करने वाले। सो दैट वाज आई एक्चुअली सेड यू। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब मोशन अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं। भैया मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, देखो मैकेनिक्स बेसिकली पार्ट ऑफ, देखो ये जो पूरा का पूरा मैकेनिक्स है, इसमें ये है कि मोशन, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पावर, एनर्जी, ये ओवरऑल इसके बारे में अपन लोग बात करते हैं पूरे के पूरे मैकेनिक्स में। और एकदम नीचे गिरे हुए लेवल पर बताऊं ना आपको, एकदम गिरे हुए लेवल पर जो पूरी की पूरी 9th की फिजिक्स है ना, 9th की जो फिजिक्स है उसका जो मेजर वाला पार्ट है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है मैकेनिक्स, ठीक है। उसका जो मेजर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है। अब उसका एक लेवल होता है, ऐसा नहीं कि 9th NCERT आप पढ़ने बैठ गए या उससे करने लगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के बारे में मैं बता देता हूँ आपको क्या फॉलो करना है। यदि आप मेरे से पढ़ रहे हो, पहली चीज आपको क्या फॉलो करना है ना, पहली चीज आपको फॉलो करना है मेरे सेशंस, ठीक है। उसके बाद आपको फॉलो करना है जो सेशंस के बाद, इन सेशंस में नोट्स बन रहे हैं वो, ठीक है। नोट्स का आपको जो नोट्स हैं उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इनको आपको रिविजन को फॉलो करना है, आपको रिविजन करना पड़ेगा। इसके बाद जो मैं टेस्ट दूंगा उन टेस्ट को, वही टेस्ट मैं दूसरे, है ना, आप कितने भी कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से दो वो नहीं है, ठीक है। बाकी के लोग 10 सवाल करवाएंगे, ठीक है, सड़े सड़े, मैं एक सवाल स्टेटमेंट वाला ऐसा बनाऊंगा जिसमें 10 का 10 का वहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट। और ये टेस्ट के बाद इस टेस्ट का एनालिसिस, एनालिसिस और ये मॉक टेस्ट, ठीक है। कई लोगों की फट गई होगी देख के कि यार इतना कौन करेगा भाई, छोड़कर चले जा तू अभी सेशन, ठीक है, फिर वो तुम्हारे लिए नहीं है। दिस द रियलिटी, झूठ क्यों बोलना है मेरे को, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। सेशन देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स को नोट डाउन करो, रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ, टेस्ट का एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी नहीं देना है, वो बाद की बात है, मगर जो मिनी मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, इतनी जितनी कंप्लीट मैकेनिक्स, फिर कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स, फिर कंप्लीट हमने ऑप्टिक्स रख दिया, ऐसे ऐसे करके जो करते हैं वो, ठीक है। अब जो बंदे सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आग बंद करके पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन, ठीक है, एक एक लाइन तुम्हारे को रीड करनी है। एनसीईआरटी से आप 25 में से 20 सवाल नहीं कर सकते हो, आप इवन 18 सवाल भी नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता किस चीज को एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाकर पढ़ना है, दिस द रियलिटी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है एनसीईआरटी इज नॉट अभी के समय में सफिशियंट, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी में करा उसके बाद जो ब्लू सवाल है उसके वो भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइज वाले सवाल है वो भी आपको करना है, ठीक है। उसकी अप्रोच, अब कोई सवाल सर इतनी 3-4 लाइन का है, इसको छोड़ दें क्या? क्योंकि इतना बड़ा सवाल तो आता नहीं है भाई। एनडी एग्जाम टॉक्स अबाउट दी कंसेप्ट। अब वो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यदि तू 4 लाइन वाला सवाल भी कर रहा है ना, तो वो भी तेरे को करना पड़ेगा, कंसेप्ट के लिए तेरे को करना पड़ेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स पूरे करना है, इतना कंप्लीट करने के बाद प्रीवियसर क्वेश्चन सारे के सारे करना है, एक भी प्रीवियसर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कब तक का? एटलीस्ट 2016 तक के तो करने हैं, मैं करवाता हूँ 2011 तक, ठीक है, 12 तक तो 12 तक, ठीक है, मैं करवाता हूँ 12 तक, इतने आपको प्रीवियसर क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आप जो मॉक टेस्ट में सवाल करोगे वो करना है, ठीक है, बस ये। और कहीं कोई भी आप टेस्ट सीरीज कर ले सकते हो, मेरी लेना है मेरी ले लो, किसी और की लेना है किसी और की बाय कर लो, आप वो टेस्ट सीरीज कर सकते हो, ठीक है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इफ यू आर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट, ठीक है, यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो इतना जब रिसोर्सेस है ना, तो इन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है आपको। आप पढ़ने जाओगे एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी पढ़ने जाओ, फिर आप उसके सवाल देखो क्या इंपॉर्टेंट है, फिर वो करो। यार जब तुमको एक सवाल को सॉल्व करने की तीन अप्रोच, आपको तीन अलग अलग एजुकेटर तीन अप्रोच बताएंगे, ठीक है। अब मैं वही चीज को एक सटीक अप्रोच बता दी और उसको सीधे आपको दिमाग में रखना है, तो फिर आप उसी को फॉलो करोगे ना, उसी को फॉलो करोगे। यदि एनसीईआरटी में तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं वो तीन क्वेश्चन ना करा के उन तीनों का एक बढ़िया क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, बोल दूंगा ये दे दो क्वेश्चन वैसे के वैसे। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू, ठीक है, विच एक्चुअली गिव्स द रिजल्ट, ठीक है। सो दिस इज द रियल अप्रोच जो कि अपन फॉलो करने वाले हैं। स्टडी मटेरियल का मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको करना है, दिस इज द रियल स्टडी मटेरियल। कोई अलग ऑथर की आपको किताब वगैरह ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, यही आपको करना है, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो गई। एक बार हैंड रेज करके मेरे को बता दो, शैल आई गो फर्दर फॉर मोशन। चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, हियर यू कैन सी, ठीक है, एकदम बढ़िया प्लेयर रोहित शर्मा। यहाँ पर पहले विराट कोहली थे, मगर मैंने सोचा यार चेंज कर देता है, ठीक है, विराट कोहली सर की जगह रोहित शर्मा सर को लेकर आ जाता है, ठीक है। आपको बताइए ये सीन कौन सा है, पीले पीछे आपको बैकग्राउंड में येलो कलर दिख रहा होगा, कई लोगों की फेवरेट टीम होगी चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, उनके अगेंस्ट में व्हेन ही वन दी ट्रॉफी ऑफ आईपीएल ऑफ एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर 2000 वॉट, ठीक है, मगर इतना पता है कि पापा और सभी के साथ बैठकर हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो ऐसा था कि व्हेन ही वन ही स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, एकदम भागते हुए, ठीक है, रनिंग करते हुए एकदम। सो व्हाट ही एक्चुअली डिड एट दैट टाइम ना, इट्स कॉल्ड मोशन, इसी को मोशन कहा जाता है ना, इसी को मोशन कहा जाता है, इट्स एक्चुअली कॉल्ड मोशन।
फॉर एग्जाम्पल अभी आप हो, ठीक है, आप इधर यू आर इन 11th और इन 12th और यू आर स्ट्रगलिंग इन एनी एक्स वाई जी पर्टिकुलर कॉलेज, है ना। तो अब यहां से यदि आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करके, ठीक है, स्क्रीन इन होकर, रिकमेंड होकर, ठीक है, वो सब छोड़ दो, आप तो एनडीए का रिटन एग्जाम आपने क्लियर कर लिया ना, पीपल वुड एक्चुअली से टू देयर चिल्ड्रन कि दिस इज वॉट एक्चुअली कॉल्ड मोशन, ही वॉज लैगिंग बिहाइंड इन 11th, शी वॉज लैगिंग बिहाइंड इन 12th. Now what she did actually, it was not only just a comeback, it's actually a motion that she did. ठीक है, rest से फिर एकदम से आकर अपनी change करके, you know, moving from initial to then reaching to the final position, where you're standing today and where you want to go, उसके बीच का जो scenario होता है ना उसको motion कहा जाता है। तो बस वही चीज है motion, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये पूरा का पूरा चीज है, इसमें अलग अलग चीजें आएंगी जो कि साइंटिस्ट ने दी है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो दो चीजें आपको दिख रही है, एक चीज है क्या, यहाँ पर ये इंटीरियर है, ठीक है, ये इंटीरियर है और ये जो बाहर वाला है ये एक्सटीरियर है। ठीक है, अब इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखोगे ना अंदर, ये अंकल बैठे हुए हैं, ये भाई मोबाइल चला रहे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, सारे पीपल आर सिटिंग है, ठीक है, सब बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। ठीक है, वंदे भारत का एकदम बढ़िया माहौल है। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप खड़े हुए हो और सेकेंड पर्सन यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, सबका अपना अपना है, आप यहाँ खड़े हुए, तो यहां पर ये भी ट्रेन मूव कर रही है और अभी यहां पर भी ये ट्रेन चल रही है, बोथ द ट्रेन आर इन मोशन, ठीक है, दोनों की दोनों ट्रेन मूव कर रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मगर अंदर वाले केस में, अंदर वाले केस में क्योंकि ट्रेन के साथ आप भी मूव कर रहे हो और आपके साथ ये लोग भी मूव कर रहे हैं, तो यहां पर कोई आपकी इनिशियल और फाइनल पोजिशन चेंज नहीं हुई, यदि आप ट्रेन के रेस्पेक्ट से बात कर रहे हो, ठीक है, आप उसके सराउंडिंग, कौन सा है सराउंडिंग, ये वाला है सराउंडिंग, आप इस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट से बात कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज नो मोशन, यहां पर मोशन नहीं, ठीक है। मगर यहां पर देखोगे आप किसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, इस के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो और फिर ये ट्रेन आगे जा रही है, तो इस पर्टिकुलर केस में मोशन हो रहा है और आपको सभी को समझ में आ गया ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कोई एज सच कोई बड़ा तीर नहीं है। इसी का एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है, उसने क्या पूछा था कि यहाँ पर वही पैसेंजर वाला पूछा था उसने कि यहाँ पर वेलोसिटी बताओ, एक पर्टिकुलर पैसेंजर है, he is sitting in a train, ठीक है, तो सेम आप लेट कर लो कि एक पर्टिकुलर एक्स वाई जी पैसेंजर है, ये बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनके जस्ट फ्रंट में एक दूसरे पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो इनके हिसाब से जो सेकंड पैसेंजर है वो मोशन में है, रेस्ट में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, डी एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसका आंसर था रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में है ना, ठीक है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू वॉट इज एक्चुअली गोइंग ऑन बियॉन्ड द विंडो। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया कि मोशन क्या होता है, तो मोशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट के लिए भी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वही चीज यहां पर गिवन है, क्या चीज गिवन है कि अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, एक बॉडी को मोशन में कब कहा जाएगा, बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस कॉन्स्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम यदि उसकी पोजिशन चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स इन मोशन। अब रेस्ट का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहा जाएगा, जब वो पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दोनों जगह एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी क्या, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, ये वाली यहाँ पर भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, समझ में आया, दोनों जगह, तो रेस्ट भी ये है और ये मोशन भी है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोशन के कुछ प्रकार होते हैं, तीन प्रकार देख लो, रीड कर लो, यदि आपने 1D 2D पढ़ा होगा, 2D में आपने क्या पढ़ा होगा, 2D में आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई, 3D में क्या पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो 1D है तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सिंगल होगा, यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ सिंगल के बारे में बात करेंगे, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में यहाँ पर पोजीशन उसकी चेंज होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको 1D मोशन बोलेंगे, जो कि यूजुअली आप 9th क्लास में पढ़ के आए। जो 2D मोशन है ये क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इन टू डायरेक्शन, जो कि दो डायरेक्शन में चेंज होता है, विच मूव्स ऑन अ प्लेन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे कि आपने कोई पत्थर फेंका, ठीक है, पत्थर फेंका ऐसा करके वो ऐसा गया, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन तो यह है जो सीधा जा रहा था और एक डायरेक्शन वो है जो कि आपने ऊपर फेंका था, ऊपर वाला वाई है, आगे जाने वाला एक्स है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन हो गया। उसी तरीके से सर्कुलर मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन में एक डायरेक्शन ये है जहां पर फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेटेड, मतलब दो है, दो है ना, तो दोनों डायरेक्शन एक एक्स है और एक वाई है, तो यहाँ पर भी 2D मोशन हो रहा है। 3D मोशन की बात करेंगे कि तीन डायरेक्शन है, जब स्पेस में मूव होता है ना, जैसे काइट मूव करती है, बर्ड्स मूव कर रहे हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ द 3D मोशन, कि एक्चुअली में यहाँ पर 3D मोशन हो रहा है। एकदम बेसिक टर्म्स है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है।
विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन के बारे में बात करा। भैया ये जो पूरी स्लाइड आपने समझाई है सबको समझ में आ गया, आप बता दो कि इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है बच्चे कि मोशन और रेस्ट जो है, यहाँ पर ये पता होना चाहिए मोशन और रेस्ट में क्या अंतर है। मोशन मतलब कि कोई भी चीज उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और रेस्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कितने प्रकार के मोशन है, 1D, 2D, 3D, क्या होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। 1D का एग्जाम्पल यदि मैं आपसे पूछूंगा आप लोग क्या बोलोगे, सर 1D का है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पर बोलोगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका पूछूंगा आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। इसका पूछूंगा तो काइट और बर्ड्स का एग्जाम्पल दोगे, बस इतना इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इनके बीच में क्या अंतर है, ठीक है। अब ये यदि आपका घर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये होम है, ठीक है, अब ये होम है और यहां पर क्या है, यहां पर है आपका स्कूल, ठीक है। स्कूल इतना छोटा है नहीं, मगर अपन लेट कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता था भाई, मेरे टाइम पर हमारे स्कूल जाने के दो रास्ते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक था NH 69 है ना, और एक था NH 43, ठीक है, दो थे। NH 42 यार एग्जैक्टली याद नहीं है, ये नया वाला था। अब ये दो थे, ठीक है। अब मैं क्या बोलता था, कई बार जैसे सीन ऐसा था कि अब आई वॉज दी हेड बॉय इन माई 12th स्टैंडर्ड, तो आई हैड टू कंडक्ट समटाइम्स दी असेंबली। अब कई बार वही करते, मोनोटोनस होता है तो बोर हो जाता है, तो मैं लेट करता था कि अब मैं यदि कंडक्ट करता हूँ असेंबली तो आई ट्राई टू बी वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज, खटाखट खटाखट खत्म कर दिया, ना ज्यादा लंबा चौड़ा। बट यदि हेड गर्ल उसको कंडक्ट कर रही है तो वो दीदी क्या करती थी कि लंबा चौड़ा कर दिया, कहीं ये टॉक, कहीं टीचर्स टॉक, कहीं ये फलाना, कहीं ये, तो कभी भी उसका होता था ना, तो आई यूज टू, मैं वैन वाले भाई से बोलता था, भैया आज ये वाला रूट लो, जानबूझ के लेट हो जाते थे। तो पहुंचना स्कूल है, बट देयर आर टू रूट्स, ठीक है। पहला रूट फॉलो करा, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, लिसन, पहला वाला रूट फॉलो करा तो वो कितने किलोमीटर का है, पहला वाला रूट फॉर एग्जाम्पल 14 किलोमीटर का है, पहला वाला 14 किलोमीटर का है। जो दूसरा वाला रूट है वो कितने किलोमीटर का है, वो है समथिंग अराउंड 19 किलोमीटर का, ठीक है। तो दोनों के रूट मतलब अलग अलग है, दोनों के रूट अलग अलग है, दोनों का चीज अलग है, मगर यहाँ पर, यहाँ ऊपर वाला जो 14 किलोमीटर है इसको भी मैं डिस्टेंस ही बोलूंगा, और जो नीचे वाला है इसको भी मैं डिस्टेंस ही बोलूंगा, मगर डिस्प्लेसमेंट पता किसको बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट में बोलूंगा 14 किलोमीटर को। वाई, क्योंकि ये है भाई मेरा घर और ये है मेरा स्कूल, इन दोनों के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, जो पॉसिबल डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जितनी भी एन नंबर ऑफ चीजें पॉसिबल है वो हो जाएगी डिस्टेंस, अब तुम कैसे भी घूम कर चले जाओ, समझ में आया। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है, इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि एकदम स्ट्रेट वाली होती है, और डिस्टेंस मतलब कि ऐसा घुमा फिरा के, इसको डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। दोनों को आप डिफाइन करोगे मीटर में, SI यूनिट मीटर है इनकी। अब भैया अब तुम सोच रहे हो कि हमको अभी भी समझ में नहीं आया, यहाँ पर लिखा हुआ है, अपन अभी आगे समझेंगे, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप देख ही लो यार, देखो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर करा है, अब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। SI यूनिट है मीटर, और स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब कभी किसी को आपने ऐसा बोलते हुए सुना है कि भाई कि वो उस कॉलेज से मतलब कि वो कितना दूर है, ठीक है, कभी उसने बोला कि -20 किलोमीटर, नहीं, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसका डायमेंशन एल होता है। कैसे, डिस्टेंस आपने डायमेंशन पढ़ा होगा, अभी छोड़ो, ठीक है, अपन जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कोई सा बड़ा सा बता दूंगा जिससे इसकी भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, कोई बड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसकी SI यूनिट मीटर है, सेम मीटर है, मगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बताऊंगा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। स्केलर और वेक्टर, देखो एक होती स्केलर और एक होती वेक्टर, एक स्केलर है और एक है वेक्टर, ठीक है। आपके स्कूल में आप स्केल यूज करते थे, अभी भी स्केल यूज करते हो, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, नंबर्स लिखे होते हैं ना, नंबर का मतलब है मैग्नीट्यूड। कभी किसी ने देखा है किसी के स्केल पर डायरेक्शन लिखा हुआ है, इतना अमीर तो मैं हूं नहीं भाई, और क्लासमेट का स्केल आता है, आता होगा, आई कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह एज सच नहीं होता है। मगर यदि आप वेक्टर की बात करोगे ना, वेक्टर क्वांटिटी मतलब कुछ होगा, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या है,
यहाँ पर डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी है और यहाँ पर डायरेक्शन भी है। तो याद रखना, स्केल से याद रखना, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हमको सर मैग्नीट्यूड का मतलब ही नहीं पता। अब यदि फॉर एग्जांपल मेरे को बोलना है कि मेरी हाइट कितनी है, मैंने तुमसे बोल दिया माय हाइट इज 6 फीट, ठीक है। तो अब ये 6 है, 6 क्या है, 6 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, 6 यहां पर मैग्नीट्यूड है, 6 मैग्नीट्यूड, समझ में आया। अब मैंने तुमने पूछा सर इन विच डायरेक्शन यू आर ग्रोइंग एंड विद व्हाट हाइट, मैंने बोला मैंने कहा आई एम ग्रोइंग विद 6 फीट इन नॉर्थ, नॉर्थ फॉर एज ऑफ नाउ यदि अपन बोल सकते, ठीक है, अपवर्ड बोल दो, चलो अपवर्ड बोल दिया, कुछ नहीं तो अपवर्ड, ठीक है। तो ये अपवर्ड क्या है, डायरेक्शन है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, समझ में आया, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। अब मेरी बात सुनना, कभी भी अपन बोलेंगे ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये गाड़ी ऐसे गई फिर इधर के डायरेक्शन में मूव हुई, तो कभी भी डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वो अपना डायरेक्शन, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज एसोसिएटेड ओनली विद द मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो भाई डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अब मैंने आपको बोल दिया ये आपका होम है, ठीक है, ये होम है और भाई ये मेरा स्कूल है, ठीक है, ये मेरा स्कूल है। अब मैं तुमको एकदम रियल केस बता रहा हूँ भाई, ये होम है और ये स्कूल है। अब हम गए बढ़िया स्कूल, वैन में बैठकर स्कूल, ठीक है, हमारी वैन में तो गाने भी चलते थे भाई, अलाउ नहीं था मगर चलते थे, गए, ठीक है, स्कूल गए। स्कूल पहुंचने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि पता लगा कि स्कूल की है छुट्टी, ठीक है, और ग्रुप पर अनाउंसमेंट नहीं होता, कुछ अर्जेंट, कुछ उन्होंने कुछ चीज की वजह से छुट्टी दी, और ऐसा होता रहता था साल में 3-1 बार, 1-2 बार तो हो जाता था, या तो कभी किसी की डेथ या तो कभी किसी का कुछ सीन हो जाता था, ठीक है। तो अब क्या होता था, अब हम लोग क्या आते थे, वापस आते थे, बढ़िया वापस आ रहे हैं गाने सुनते सुनते, अब ये यहां तक वापस आ गए, ठीक है। मगर यहां पर मैं क्या करता था, मैं वो मेरे भाई यहीं उतर जाते थे, मगर मैं क्या करता था, यहाँ आगे भी जाती थी ना वो वैन, आगे जाती थी, तो मैं क्या करता था, मैंने कहा भैया जो बचे हुए बच्चे हैं उनको भी छोड़कर, भाई ड्राइवर के साथ एकदम मेरी वाइब मैच करती थी, मैंने कहा भैया आगे चलते हैं अपन, ठीक है, आगे चले जाते थे। तो अब ये जो आगे है ना, बाकी बच्चों को छोड़ा हम लोगों ने, है ना, और मैं उनका बैग वगैरह देता था, ठीक है, इज्जत करते थे वो मेरी। तो फिर हम लोग यहाँ से आने के बाद यहाँ आ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, वो कहानी भूल जाओगे आप, ये था मेरा घर, ठीक है। अब घर से यहाँ पर स्कूल कितना, फॉर एग्जाम्पल ये 0 किलोमीटर है और यहाँ पर ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर, मान के चलो 10 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 10 किलोमीटर हो गया, इतना तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करा और पीछे में, है ना। अब जब मैं 10 किलोमीटर यहाँ पर गया, ठीक है, ट्रिप वन कितना 10 किलोमीटर, वापस आया घर, यहाँ से ये गए और वापस आ गए। ट्रिप टू कितना आ गया, और 10 किलोमीटर, ठीक है सर, और मगर मैं वो बच्चों को छोड़ने हम पीछे चले गए। ट्रिप थ्री कितना हो गया, और 5 किलोमीटर, ये इतना 5 है, इधर 5 किलोमीटर है, किधर, ये डायरेक्शन कौन सा है, ये 0, इधर वाला डायरेक्शन तुम बताओ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, है ना, वेस्ट वाला, उधर 5 किलोमीटर और हो गया। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब ये एक बात बताओ, जब यहां पहली वाली कंडीशन थी, है ना, पहली वाली कंडीशन जो पहला वाला था ट्रिप वन 10 किलोमीटर वाली, उसमें यहां से इनिशियल पोजिशन थी, इनिशियल सुनना, इनिशियल ये थी और फाइनल ये थी, ठीक, इनिशियल और फाइनल ये थी। तो डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, हाँ जी सर डिस्टेंस 10 था, मगर इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना कितना डिस्टेंस था, सर वो भी 10 था। तो वो यहां पर डिस्टेंस, अब यहां पर जो डिस्टेंस था वो भी 10 था, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी 10 था, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब मगर क्या हुआ कि आप गए और वापस आ गए, और आई और एफ तो ये सेम पोजिशन हो गई ना, मगर अब डिस्टेंस कितना हुआ सर, गए और आए तो कितना हो गया सर, 20 हो गया, मगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0, भाई घर पे तो वापस आकर खड़ी हो गई ना वैन, तो अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अब मेरी बात सुनो, अब वो इनिशियल ये थी, ठीक है, अब वो कहां चली गई, इनिशियल के बाद और यहां चली गई, फाइनली आ गई। तो अब एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना हुआ, 10 गई, 10 आई यहां, 20 और 5 और इधर चली गई, कितना हो गया, 25 तो किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मगर अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम इनिशियल देखो ये है, फाइनल कितनी है ये, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज व्हाट, 5 किलोमीटर, ये 0 से 5 किलोमीटर वेस्ट में है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। तो जेंटलमैन डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो शोज द डायरेक्शन,
हेंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट्स वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट ऑल्सो शोज दैट व्हेन इट इज शोइंग द ऑपोजिट डायरेक्शन इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। तो यहां पर हो जाएगा माइनस फाइव। यूजुअली इसको रिप्रेजेंट नहीं करा जाता है मगर मैं आपको उससे भी बता दिया। तो अब यदि आप यहां पर गौर फरमाओगे ना कि यहां पर मैंने क्लियरली लिख रखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब सर यदि कोई सिनेरियो आ गया कि जिसमें डिस्टेंस आपका माइनस पांच किलोमीटर है, वो डिस्टेंस आपका पांच किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट माइनस पांच किलोमीटर है, इसको कैसे अब यहां पर इक्वल कैसे होगा? तो भाई क्या कर तू, इस केस में है डिस्टेंस पांच और डिस्प्लेसमेंट माइनस पांच है, तो इस केस में जब तुम डिस्प्लेसमेंट में मॉड लगा दोगे, है ना, मॉड लगा दिया आपने, डिस्प्लेसमेंट में मॉड लगा दिया, तब ये चीज इक्वल किसके हो जाएगी? तब ये चीज इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस के। हाँ जी सर, तब ये चीज डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। बट द फैक्ट इज दैट तब भी और ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो यूजुअली डिस्टेंस ज्यादा ही होता है ना, यूजुअली डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। और इक्वल क्यों लगाया? इक्वल मॉड क्यों लगाया? सिर्फ इक्वल वाले के केस में, यूजुअली डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो बस वही चीज है, ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई कि ये ऐसा क्यों बना, ठीक है। तो इस अकेली चीज, तीन चीज बताने के लिए, क्या तीन चीज को मैंने समझाया यहाँ पर। अब क्रक्स क्या निकल कर आता है, सुनो, डिस्प्लेसमेंट का पहला सर वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तीसरा नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, चौथा, ठीक है, ये जो रिलेशन है डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको बताने के लिए पूरी रामकथा स्कूल से घर वाली सुनाई मैंने आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तो मैं पूछूंगा नहीं, स्पीड और वेलोसिटी कंप्लीट करता हूं, उसके बाद पूछूंगा किसको समझ में आया किसको नहीं आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। अब भाई स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधी बात, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बचपन से पढ़ते आए हैं, मगर थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। टाइम के साथ साथ जो आपका डिस्टेंस जिस रेट के साथ चेंज हो रहा है ना, जिस रेट के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं स्पीड, है ना। अब जिसको नहीं पता, जो एस सच उतने अवेयर नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। अब आपका दिमाग अब खुला तो उसमें कुछ भी नहीं कह सकते हो ना। तो जिसको भी नहीं पता हो, मैं बता दे रहा हूं, कभी भी रेट की बात हो ना, रेट, तो याद रखना कि यूजुअली डिनोमिनेटर में ना, यहाँ पर फिजिक्स में अपन बात करने लगते हैं, डिनोमिनेटर में टाइम आ जाता है, ठीक है, कि यदि मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये स्पीड के बराबर होता है कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यदि वेलोसिटी की मैं बात करूंगा तो कुछ नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं, सेम चीज है। यहां पर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, हियर द फैक्ट इज दैट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, नीचे वाले में है, तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस में नहीं था, डिस्प्लेसमेंट में है। तो वही चीज है ना मेरे भाई, इसको तुम क्या बोलोगे? डिस्टेंस नहीं, इसको बोल देना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर मगर इतना रियलिटी में आपने अपने स्कूल का एग्जांपल देकर समझाया, वेलोसिटी को भी रियल में बताओ। बिल्कुल बता देता हूं मेरे भाई, ठीक है, ये सुन, यदि मैं बोल रहा हूं कि स्कूल वैन इज राइडिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, है ना, विद द स्पीड ऑफ 20 नहीं भाई, हैवी ड्राइवर थे भाई, ठीक है, इतना धीरे नहीं चलते थे, एटलीस्ट 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना मैंने ये बोल दिया, ठीक है, ये क्या है पता? ये स्पीड, सेम चीज मैंने लिखी, सेम, सब कुछ सेम, बस एड ऑन पता क्या कर दिया, एड ऑन मैंने ये करा इन दी वेस्ट डायरेक्शन, बस क्या बन गया, अब क्या बन गया, जो भी है, ये है स्पीड, ये है वेलोसिटी, बात खत्म, यही अंतर है। ज्यादा दिमाग मत लगाने जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना भी कोई नहीं बताता है जितना बता दिए, इतने में खुश हो जाओ, ठीक है, सेटिस्फाइड। ये मीटर पर सेकेंड, इसकी भी मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। अब सर ठीक है, ठीक है, अब एक छोटा सा और मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर तो ठीक है एक वेलोसिटी है, है ना, मगर ये वेलोसिटी में चेंज भी तो आएगा ना, चेंज भी आ सकता है, ये वेलोसिटी में चेंज भी आ सकता है। सर गाड़ी चल रही है, बिल्कुल चलेगी, मगर देयर कैन ऑल्सो बी द चेंज इन इट, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो जो एक्सेलरेट करा ना उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। अब ये बेसिक मैंने बताया था, डोंट वरी, आगे रीड करेंगे अपन, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये पॉजिटिव या जीरो होती है, स्पीड पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। मगर क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, तुम खुद देखो, न्यूमरेटर जब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, तो क्यों नहीं ये वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, ये भी होगी, मगर इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ये एक बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं ये डायमेंशन, नहीं समझ में आया रोने की जरूरत नहीं है, जब इसकी क्लास लगेगी तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी जो है वो देख लो, है ना। और ये बेसिकली मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो तुमको लगे भाई इधर भी नहीं आता ना, दिक्कत होती है बहुत बड़ी। देखो वेलोसिटी की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड अपन बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकेंड माइनस वन, है ना, ऐसे मीटर सेकेंड की पावर माइनस वन, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि मीटर पर से, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड है, और मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर अपॉन सेकेंड, ये अपॉन है ये, ठीक है, डिवाइड, तो मीटर अपॉन सेकेंड है। अब मीटर की यूनिट क्या है भाई, है ना, मीटर, अब छोड़ दो, है ना, ये छोड़ो, अब डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है, मेन जो डायमेंशन के फॉर्मूले की बात करोगे, इट इज एम एल टी, है ना, एम एल टी, एम का मतलब है मीटर, एम का मतलब सॉरी मास, ठीक है, ये जो एम है, एम स्टैंड्स फॉर मास, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है, मास लेंथ टाइम। अब यहां पर जो एम है इसको मास से लेट मत कर जाना, ठीक है, इतने मूर्ख मत बनना, ये एम का मतलब क्या है पहले लिखो पूरा, यहां पर एम का मतलब क्या है, सर एम का मतलब है मीटर, ओके, सर एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सेकेंड, है ना, एस का मतलब है सेकेंड, तो मीटर क्या है, अब लिखो मीटर क्या है, सर काई की यूनिट है, सर मीटर लेंथ की यूनिट, सेकंड काई की यूनिट है, सर सेकंड टाइम की है, तो ऊपर लेंथ अपॉन टाइम है, लेंथ काई से रिलेट है, एल, तो यहां पर ऊपर क्या लिख दो, एल है, और नीचे टाइम है, एल अपॉन टी, अब ये ऐसा हो जाएगा एल टी की पावर माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन फॉर्म, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे मौका मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। अब यहां पर आप गाड़ी देखो, एक गाड़ी चल रही है, जीरो मीटर, जीरो मीटर, फिर चार मीटर, फिर आठ मीटर, ठीक है, मतलब चार चार मीटर का मतलब ब्रेक, मतलब वो है गैप, फिर चार मीटर, फिर चार मीटर, इतना चार मीटर दो सेकंड की स्पीड से, इतना चार मीटर दो सेकंड की स्पीड, इतना दो सेकंड की स्पीड से, ठीक है, एकदम एकदम वो, उसमें कैसे, क्या पता कैसे चला रहे हैं भाई, है ना। अब सुनो मेरी बात, इसका रीजन पता क्या हो सकता है, इसका रीजन ये हो सकता है कि कार में कोई म्यूजिक वैसा चल रहा हो, तो वो एक सेम उसमें चल रही है ना, मल्टीपल रीजंस कैन बी देयर, सबकी इमेजिनेशन और अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप अभी अनम्यूट करने की एबिलिटी होती है तो कई सारी अप्रोचेस यहाँ पर पता चल जाती कि किसका दिमाग कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। बाकी एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर चार मीटर का डिस्टेंस है, ओके सर, यहाँ पर चार मीटर का डिस्टेंस है, ओके सर, यहाँ पर भी चार मीटर का डिस्टेंस है, दैट्स ऑल्सो बी एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर सर दो सेकंड का है, मतलब दो सेकंड में ट्रेवल करना है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो चेंज हो रहा है ना, दी चेंज जो हो रहा है, क्या डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर मोशन हो रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और यदि अपन ऐसा बोल दें कि दो दो से ये कितना हुआ, पहले दो से चार, चार मीटर से फिर कितना, बारह मीटर, सीधा आठ भी नहीं गया, बारह से फिर चौदह, है ना, तो यहां पर भी दो सेकेंड, यहां पर भी दो सेकेंड, और यहां पर भी दो सेकेंड, ठीक है। तो दो सेकेंड में पहले चार, फिर दो सेकेंड में कितना, चार से बारह सीधा, छह सात आठ, आठ मीटर आगे हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या सीन है सर, ये देखो, तो अब इनकी स्पीड होती है, वही अपन देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। देखो भाई मेरा सीन ऐसा है, मैं तुमको अलग अलग चार स्लाइड बनाकर नहीं बताऊंगा कि एक यूनिफॉर्म स्लाइड की अलग है, इसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की स्लाइड अलग है, एवरेज स्पीड की स्लाइड अलग है। अब जो चीज एक बार में बताई जा सकती है ना, उसको एक बार में ही जानो तो बेटर है, ठीक है, नहीं तो फिर वो सही नहीं रहता है, वो फिर रियलिटी के खिलाफ बात चली जाती है। तो यहाँ पर आप एक बार में याद करने की कोशिश करना, है ना, कोई इतनी भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं ये। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, भाई स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है,
ऊपर डिस्टेंस लिख दो, नीचे टाइम लिख दो, ठीक है सर। तो आप कभी भी कोई भी चीज आए ना और उसको आपको डिफाइन करना, यदि मैंने आपको बोला डिफाइन 1 जूल, आपने देखा जूल काय की है भाई, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद आ गया, वर्क डन इज इक्वल एफ एस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर दिमाग लगाया करो कि कोई की भी चीज मैंने डिफाइन करने को ली उसका फिजिक्स में फॉर्मूला लिख दो, बस यहां लिख दे रहा हूं ये ट्रिक है, ठीक है। कोई भी चीज, ट्रिक टू डिफाइन, कोई भी चीज को डिफाइन करना है, क्वेश्चन आते हैं भाई ये वाले एनडीए में, क्या करो, राइट इट्स फॉर्मूला, जो उसका ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला है ना वो वहां पर लिख दो, ऑटोमेटिक अंदर से चीजें आएंगी, ठीक है, अंदर से। तो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यूनिफॉर्म स्पीड है, आप क्या बोलोगे, व्हेन अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस टाइम पर जो बॉडी जिस स्पीड से मूव करेगी उसको यूनिफॉर्म स्पीड, ये आ गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, समझ में आया। सर टाइम इक्वल क्यों लिया है, क्यूरियोसिटी, कॉमन क्यूरियोसिटी, ठीक है, सभी के दिमाग में आती, भाई एक बात बताओ, दोनों को ही अलग ले लिया तो डिफरेंशिएट करने में दिक्कत जाएगी ना। यदि मैं तेरे से बोलूं अपन दो बंदों की ग्रोथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, दो बंदों की ग्रोथ मेजर कर रहे हैं, अब एक बंदा ऐसा है कि जिसके मार्क्स स्टार्टिंग में कितने, तीन बंदे हैं, ठीक है, ए बी सी है ना, एक ए है, एक बी है ना, और एक सी है। ए के जो मार्क्स हैं वो कितने थे स्टार्टिंग में, अपन परसेंट 100% से बात करते हैं, इसका कितना था, इसका इसका था भाई कि 70% आता था, फिर इसका कितना हो गया, फिर इसका 80% हो गया, फिर इसका क्या हुआ, फिर 60% हो गया, इसका कितना था 70% है, इसका फिर कितना हो गया 60% हो गया, फिर इसका कितना हो गया 80% हो गया। अब ये सी है ना भाई, नाम पे मत जाना, ठीक है, ये तो तुम और कुछ सोचने लगो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ब्रिलियंट है, ठीक है, इसलिए इसको सी बोल रहे हैं अपन, 95%, ठीक है, 95%। हाँ 95% से क्या हुआ, ये गया भाई 96, 90, फिर ये चला गया 80% पर, कुछ इसके साथ चीजें हुई होंगी, ठीक है, यंग एज है, ठीक है, 80%, फिर 80% के बाद अगेन फिर उसने कहा चलो यार कर लेते हैं थोड़ा कम बैक, तो फिर कम बैक करा तो फिर 90%। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, यदि मैंने तुमसे बोला कोई दो चीज, कोई दो बंदों की ग्रोथ मेरे को डिफाइन करो, मतलब कि किसने कितना ग्रोथ करी है ना, किसने दो बंदों की आप मेरे को कंपेयर करके ग्रोथ बता दो, जो एनी दो बंदे लेना, आप क्या करोगे भाई, आप एक बात बताओ, 95% से 80% आपको यहाँ पर चेंज इन परसेंटेज निकालना पड़ेगा, मतलब पहले क्या था वो परसेंटेज अपन निकालते हैं ना, कितने परसेंट चेंज हुआ, तो ये इसका ये मत कर रहे, माइनस कर दिया आपने, है ना, फिर आपको क्या, आप इसकी ग्रोथ इस बंदे से निकाल सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में इसका 95% था और इसका 75% है, इनका जो बेस है वही अलग है ना, तुम 70% वाले बंदे को 70% वाले बंदे से कंपेयर करो ना, तुम 70% वाले को 95 से क्यों कंपेयर कर रहे हो, उसको नहीं कर सकते, इसलिए उसको अलग कैटेगरी में रखा है। तो देयर मस्ट बी अ वन कॉमन थिंग सो दैट देयर कैन बी एन ईज और देयर कैन बी अ कन्वीनियंस इन डिफाइनिंग बोथ ऑफ, ठीक है, इसलिए समय को सेम रखा है, समझ में आया। अब मैं यदि बोलूं कि स्टार्टिंग के 2 सेकंड में 10 मीटर, नेक्स्ट वाले 2 सेकंड में 20 मीटर, तो भाई ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, मगर मैं बोलूं स्टार्टिंग के 2 सेकंड में 10 मीटर, स्टार्टिंग के फिर मैंने बोल दिया 1 सेकंड में, फिर बोल दिया 3 सेकंड में, अरे तो सर तुम बोलोगे सर एक चीज तो इक्वल रखो जिसके बेसिस पर बता पाए, तो ये वही चीज है, ठीक है। अब आती है एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब कि जैसे स्कूल का एवरेज निकालते हैं ना, आप क्या करते हो, टोटल मार्क्स अपॉन क्या करते हो, टोटल नीचे जितने भी आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, सेम चीज डिस्टेंस अपॉन टाइम है, आप इसके सामने टोटल लगा दो और यहां पर टोटल लगा दो, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस स्पीड उस इंस्टेंट पर आपको निकालना है, जैसे आपको बोल दिया कि इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है, कितना उसने करा है, 4x2, आप कुछ मत करो उसका डेरिवेशन कर दो, ठीक है, 8x इसका डेरिवेशन आ गया, ठीक है, डेरिवेटिव आपने इसका निकाल दिया, जब आपने इसका dy अपॉन dx निकाला, अब उसने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपको चाहिए, ठीक है, कितने 2 सेकंड पर, आप इसमें 2 की वैल्यू डाल दो, तो कितना आ गया 16, 16 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या करना है, डेरिवेशन करना होता है, अभी आप इसका क्या करो, आप थोड़ा डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन बोल रहा हूँ बार बार, डेरिवेटिव निकालना होता है, इसको थोड़ा साइड में रखो, इतना ऐसे वो नहीं है, ठीक
ठीक है, सवाल करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है कि वो आपको आना चाहिए। ठीक है, स्पीड हो गया, अब वेलोसिटी और करते हैं। वेलोसिटी सुनो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बस कुछ नहीं करना है। आप ऊपर, आपने यहाँ पर डिस्टेंस रखा, नीचे डिस्प्लेसमेंट रख दो। इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन चेंज भी होता है तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इतना क्लियर है? बिल्कुल सर। एवरेज स्पीड में था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आया? और यहां पर होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड टू। एक दूसरा फॉर्मूला है, इसको थोड़ा काम होता है, ये वाला फॉर्मूला सर क्लियर है क्योंकि इससे रिलेट कर लिया। एक हल्का सा अलग है कि इनिशियल वेलोसिटी है ना यू, एक चीज साइड में लिख लो डब्बा बना के, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको डिफाइन करते हैं v से। अपन एकदम बेसिक से चल रहे हैं, u प्लस v अपॉन 2, इससे भी अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक भाई, ये कहानी थी अपनी इसकी, है ना। मैं चाहूं तो अब भी आपको इसके 10 प्रीवियस सवाल करवा सकता हूँ, ठीक है, मगर मेरा ऐसा वो नहीं है। कल का सेशन होल हार्टेडली प्रैक्टिस को डेडिकेट करेंगे। ठीक है, आपको ये शीट दिख रही ना ऐसी, मैं जानबूझ कर एक पिछले साल की शीट लेकर आया, ठीक है, कैसी होने वाली है वो शीट होने वाली है ऐसी, आप देख लो ये शीट ऐसी होने वाली है। वो पिछला रखा था, डिलीट नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ चीजें, सारी चीजें हैं, एवरीथिंग आपको अपन सॉल्व कर रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एकदम बेसिक से बेसिक हायर लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। मेरे को बताओ यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? आर थिंग्स क्लियर सो फार और नॉट? हैंड रेज कर दो। बंदी है क्या क्लास में? बढ़िया है, थोड़ा काम बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आगे और अच्छे से बता सकूँ। किटकैट ब्रेक बनता है, ठीक है, मगर वो ब्रेक सेटबैक में चेंज नहीं होना चाहिए, लिख लेना। इट्स गुड टू टेक अ ब्रेक बट दैट ब्रेक शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू सेटबैक। चलो देखो भाई, ठीक है, जो आगे अपन सिनेरियो देखेंगे ना, कंसेप्ट भी इन्हीं सवाल से क्लियर होगा और एनडीए में सवाल भी यही से है। कुछ चीज़ें मैंने पिछले साल लिख रखी थी, मेरे को बढ़िया लगी, मैंने कहा इनको वापस से करूँगा। दीज इजी क्वेश्चंस विल हेल्प यू रिमेंबर फार्मूला टुगेदर विद द कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट के साथ जो आपके फॉर्मूले हैं वो भी आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, फॉर्मूले भी क्लियर होंगे। ठीक है, टॉपिक एवरेज, ठीक है, और जो भी साइड में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होंगी यहाँ पर, फिजिक्स प्रैक्टिस के टाइम, लिसन, आंसर से ज्यादा जरूरी है सही कंसेप्ट और अप्रोच पकड़ना। ठीक है, सही कंसेप्ट और सही अप्रोच, इसलिए यदि अच्छे से न्यूमेरिकल करना है ना तो अभी फोकस यहां रखो। ठीक है, यदि दिमाग यहां पर चलाना है, ऐसा ना हो कि ये चीज करते टाइम आप यहां पर स्विच करो। एकदम मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको झूठा कुछ भी बोल सकता हूं, आप खुश हो जाओगे, बहुत यू विल बी इंप्रेस्ड विद मी। ठीक है, आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस माई स्टूडेंट, आई एम हियर टू टीच माई स्टूडेंट। ठीक है, मेरे को उनका पेपर क्लियर करवाना है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। तो जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट एंड अप्रोच व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। मल्टीपल अप्रोचेस आर देयर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट हाउ कैन यू चूज द ऑप्टिमम अप्रोच? द बेटर यू वुड नो द कंसेप्ट, द बेटर अप्रोच यू चूज। ठीक है, सेम पैटर्न ये जो है आस्क्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन, अपन देखेंगे एनालिसिस के हिसाब से कैसे हुआ है ना। और कुछ सीन लिखा है, एग्जैक्ट सेम आस्क्ड इन PYQ। ठीक है, हर बार ये नहीं कहेगा कि इनिशियल जीरो है, दैट वुड ऑल्सो, कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ यू जीरो कब होगा, यू गिवन कब होगा, कैसे समझना है। ठीक है,
पीक पर जब होगा, मोशन के सारे पी वाई क्यू नीचे हैं यस, ठीक है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, एवरीथिंग इज इजी, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, ठीक है। सारी चीजें ऑफकोर्स इजी हैं। जिसे भी फिजिक्स से डर लगता है वो ND2 2022 का पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। अरे यू आर एजुकेटेड इन 21 out of 22 or 23 सवाल इन दैट, ठीक है। सही में भाई, ये तुम खुद देखो क्या हलवा पेपर आया था, ठीक है। तुमको तो मैंने एनालिसिस बता रखा है ना, ये देखो तुम खुद देखो क्या क्या घटिया पेपर आया था, है ना। कोई भी यदि करे ना, मैं तो बोलूं अभी कर दे वो किलोवाट आर, ठीक है। सोलर सबके आगे इजी लिखा है, एवरेज डेंसिटी, प्रेशर कुकर, एक्स रे वेवलेंथ, पावर, पिच, साउंड, आई, एम्पलीट्यूड, ठीक है, चार्ज, डीसी जनरेटर, मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी एक वो सड़ा सवाल अभी मैं चाहूं तो करवा दूं, मगर क्यों ऊपर चढ़ाना है, पर कठिन करेंगे ना अपन। पावर, फिर ये पावर, ये दो पावर अलग है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर और एक दूसरी अपनी ऑप्टिक्स वाली पावर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, है ना, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, पेंडुलम, सब इजी है, एनर्जी कन्वर्जन, सोनार, ये साउंड वेव, ईयर, है ना। ये सवाल नहीं बना था मेरे से, इनकैंडेसेंट बल्ब, रिकॉइल और माइक्रोफोन, ये भी इजी, बहुत इजी पेपर है ना, ये सॉल्व कर लेना, नहीं आपको मोटिवेशन आया तो फिर बोलना, ठीक है। इजी चलता है फिजिक्स का सीन, और मैं बता रहा हूँ, एक बार इजी एक बार कठिन, एक बार इजी एक बार कठिन। आने वाली फिजिक्स इजी मिलेगी, मगर आने वाली केमिस्ट्री हल्की सी चलनी मिलेगी, आने वाली बायो हल्की सी चलनी मिलेगी, ठीक है। वो ऐसा है क्योंकि यूपीएससी जीएटी है भाई, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपना टाइमिंग जो है, मेरे को क्या इन लोग की डाउट क्लास भी लेनी है, लिंक इनको आई विल बी शेयरिंग देम सेपरेटली इफ दे वुड हैव एनी डाउट। तो अभी तक यहाँ तक अपन क्या करते हैं, ये वाला सी, ये आखिरी और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। ये वाला आप देखो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की कुछ पॉसिबिलिटीज है ना, दे आर फ्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन है, पहले तो एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, अपन क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन सर रेफर्स टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। गलत है, क्यों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस ऐसे ही। पहला ऑप्शन दे दिया चेंज इन मोमेंटम, नहीं है, दूसरा दे दिया चेंज इन फोर्स, नहीं है, तीसरा दे दिया चेंज इन वेलोसिटी, अरे बिल्कुल दो ऑप्शन छोड़कर आया है तीसरा वाला चेंज इन वेलोसिटी, अरे भाई आखिरी वाला पढ़, वहां पर रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा होगा, ये सही है। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई, कुछ इनिशियल होगी, ठीक है, इनिशियल है ना, इनिशियल कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइनल कितनी है भाई, बी रियल, ठीक है सर, ऋषभ पंत को आप सोच लिया करो, लेट करो, रियल करो, अपन किलोमीटर में ले लें भले उसकी ऐसा यूनिट ना हो, तो ऋषभ पंत को देखते हुए अपन कितना ले लेते हैं, 100 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फाइनल कितनी, फाइनल तो कुछ ज्यादा ही थी, ठीक है, फाइनल फिर 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये है रेट ऑफ, है ना, अब आप बताओ, इनिशियल को यू बोलते हैं, फाइनल को वी बोलते हैं, ज्यादा क्या है वी, तो वी माइनस यू, अपन काई की बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं सर रेट की, तो वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। अब सर, अब एक बात मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। यदि ये मैंने तुमको ऐसे समझाया ना कि एक एक छोटी छोटी चीज, कि अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे निकाला है, तो यदि आपसे नहीं बनाना तो फिर सोच लेना तुम लोग, ठीक है, सोच लेना, सही बता रहा हूँ तुमको, सही कर दूंगा। तो यदि मैं अभी अपना समय दे रहा हूं ना, तो ध्यान से यहाँ पर सुन लेना, तुम्हारा समय भले ही बर्बाद हो भाई, मेरा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरा समय बहुत क्रूशियल है, और मेरा समय ऐसा है कि जो चीज मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को आउटपुट चाहिए। अब वो आउटपुट तुम दोगे वो गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन आपसे मेरे को हो जाती है, क्योंकि मैं वैसा पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर इस मेंटेलिटी का हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना वैसा है कि यदि स्टूडेंट से नहीं बन रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं मैंने गलती कर दी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है। स्टूडेंट का पेपर क्लियर नहीं हुआ तो पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या मेरी वजह से क्लियर नहीं हुआ, फिर सेकेंडली मैं क्या सोचता हूँ कि अच्छा बच्चे ही अब था कि उनने अलग अलग चीजें कर ली, तो अब उसमें अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे को सब कुछ करना था, बच्चे को खेलने भी जाना था, ठीक है, बच्चे को मतलब ग्राउंड में बेसबॉल भी खेलना था, बच्चे को सिजुका से बात भी करनी थी,
बच्चे को मतलब कॉमिक बुक भी पढ़नी थी, बच्चे को जल्दी भी सोना था, बच्चे को लेट भी उठना था, बच्चे को स्कूल भी लेट जाना था, क्लासेस भी नहीं लगानी थी। अब आखिरी में गैजेट मांगेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इज द रियलिटी। ठीक है, ये वाला टॉपिक देखो आखिरी खत्म करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो एक्सेलरेशन है, तीन प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन तीन प्रकार से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। मगर सर एक्सेलरेशन अपन क्या बोल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है सर, आपने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या बोला, वेलोसिटी है ना, ये है सर एक्सेलरेशन। आपने इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या बोला, वेलोसिटी। ठीक है सर, मगर जब आप वेलोसिटी बता रहे थे, आपने इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोला था, मतलब वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपने डिस्प्लेसमेंट बोला। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा जिसका आंसर मैं ही करूंगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, पहले क्या है, यदि डिस्प्लेसमेंट, लिसन टू मी केयरफुली, यदि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और सुनो पहले बात, मेरी बात सुनो, ठीक है, ऐसा क्यों है, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, यदि मैं यहां पर लिख रहा हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो डोंट ट्राई टू लुक एट द टाइम, जस्ट ट्राई टू लुक एट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव होगा। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो, तो यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। आप सब जब इतना तो सर ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। जब वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है, चेंज इन, तुम नहीं तो बोल दो कि सर वेलोसिटी अपॉन टाइम तो होता नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है भाई, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, शब्दों पर, फीलिंग्स पर आओ आप। तो अब यहां पर क्या होगा, ये जो सीन है, यहां पर पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई ऋषभ पंत यहाँ पर 100 किलोमीटर आर की स्पीड से अपनी उनकी वो कार चल रही थी, फिर इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, इतनी ज्यादा होगी, तो वहां पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ा ना। अब यदि यहां पर कम हुआ, है ना, यहाँ पर मतलब वेलोसिटी कम हुई, तो यहाँ पर उससे क्या होगा, फाइनल कम होगी, इनिशियल ज्यादा हुई, तो यहाँ पर कम नेगेटिव हो जाएगी। मगर यदि वेलोसिटी जीरो है, तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। ऐसा गलत चीज में नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट एवरी टाइम व्हेन द वेलोसिटी जीरो द एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो। आई एम नॉट टेलिंग दिस, ठीक है, एंड नोबडी कैन टेल दिस, एंड इट हैज ऑल्सो बीन आस्ड इन दी एनडी के प्रीवियस पेपर। ठीक है, अब आप जब सवाल करेंगे बिल्कुल आपको पता चलेगा। सो यहां पर देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी, पक्की बात है। मगर यदि वेलोसिटी जीरो है तो इट्स नॉट कंपलसरी कि एक्सेलरेशन जीरो है। कैसे भाई, ये तू है, ठीक है, तूने क्या करा, एक बॉल को ऊपर फेंकी, ठीक है, तूने बॉल को ऊपर फेंकी, अब ये जो पर्टिकुलर बॉल है, इट हैज रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम हाइट, ये जो है ये एकदम मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम हाइट है, यहां पर तुम एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए, एक इंस्टेंट पर यदि अपन बात करें, यहां पर ये बॉल रुकेगी, बिल्कुल सर ये बॉल रुकेगी, बिल्कुल ये रुकेगी, ठीक है, अब ये रुकेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। मगर इस इंस्टेंट पर, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान आपके पास होगा ना, थोड़ी बहुत मेमोरी आपकी काम कर रही होगी, देयर वुड बी एन एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो ऊपर लगेगा ना, इसने ऊपर लगाया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक्सेलरेशन व्हिच हैज बीन एक्सर्टेड बाय दैट मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट वुड बी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। भाई इतना है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इवन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इज जीरो, है ना। तो व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी देयर। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, इट इज नॉट कंपलसरी कि एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, वो जीरो भी हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, ये चीज सभी को क्लियर है कि नहीं। मैं इसका यार तुम देख लो, एक सवाल ऐसे ही कुछ था, घटिया सा सवाल कहीं होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये देखो ये सवाल, अब ये 2000 स्पीड और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये अभी वो स्कूल वाला जो मैंने अपने स्कूल का एग्जांपल दिया ना, वो ये सवाल में लगेगा।
पेशेंस रखना, ठीक है, नहीं तो तुम छोड़कर चले जाओ। ये देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, लिसन, सुनो सुनो, एक क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से कर लो भाई, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यदि कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, देन इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? है ना, सही नहीं है। आप सीधे देखो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, उसका यदि कोई उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो भी हो सकती, तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? नहीं भाई, एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, क्लियर है सभी को? वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, मतलब कि अब ये नहीं है भाई, वो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डोंट वरी कैसे, है ना, ये अब खोला है तो भाई कर लेते हैं, आधा अधूरा काम क्या छोड़ना। वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ व्हाट सर? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यदि ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अब यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब कि स्पीड कौन है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होती है, और यहां पर लिखा है स्पीड चेंजेस विद टाइम, तो यही ये चेंज क्यों होगी भाई, कांस्टेंट है, गलत है, वो सवाल मिल नहीं रहा है ऐसा, तो ढूंढूंगा तो ये है ये। अरे वो विद रिस्पेक्ट वाला मैंने आपको सवाल बताया था ना, वंदे भारत वाला, स्टार्टिंग में, अ मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन व्हिच इज यूनिफॉर्म विद अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। सुनो, एक मैन है सिटिंग इन अ ट्रेन, है ना, और वो ट्रेन मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड बताओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू बार, ट्रेन के रिस्पेक्ट से उसकी स्पीड जीरो है भाई, है ना, ट्रेन मूव कर रही है, वो थोड़ा मूव कर रहा है। अभी रुको, वो सवाल देखना है, ये है, ये दिस इज द सवाल, ठीक है, इसकी एक स्टेटमेंट रीड करो। इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन इज जीरो एट दैट इंस्टेंट, गलत। वेलोसिटी जीरो एट दैट इंस्टेंट, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो एट दैट इंस्टेंट, गलत। इफ द वेलोसिटी एंड इफ द पोजिशन वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट्स, अरे क्या अपने को क्या बताना है, इज नॉट करेक्ट, गलती बताना है, रुको। इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट दैट इंस्टेंट, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो एट दैट इंस्टेंट, एक्सेलरेशन भी जीरो होना होगा, ये गलत है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सही है। तो इफ द वेलोसिटी जीरो फॉर एन इंस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एन इंस्टेंट, है ना, एट एन एक्सेलरेशन इज जीरो एट एन इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल, विद इन द टाइम इंटरवल अपन बोल सकते हैं, मगर शुड भी नहीं आएगा यहाँ पर, शुड वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, होना चाहिए भाई, जरूरी थोड़ा ना होना चाहिए, इट कैन बी। बस जो भी यहाँ पर बैच का बच्चा नहीं है वो एंट्रेस करके बता दे भाई कि क्लियर है कि नहीं ये, ठीक है, यहाँ तक की कहानी, पर बाकी का कल देखेंगे, जो बैच का नहीं है। एक ही है, चलो ठीक है, ठीक है ना, इनको मैं तुमको दूसरी लिंक आई एम शेयरिंग, ज्वाइन करना उससे, ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, आप भी करते हैं ज्वाइन, आई एम शेयरिंग यू द लिंक।